आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि रोल ऑफ थेरेपिस्ट वर्सेस पेरेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. रोल ऑफ थेरेपिस्ट, क्या आपने कॉइन देखा है? एक कॉइन अगर आधा ही अगर है या पीछे का उसमें कुछ भी नहीं है तो क्या वो कॉइन चलेगा, क्या वो सिक्का चलेगा? वैसे ही थेरेपिस्ट और पेरेंट का रोल है वो कॉइन में. वो कॉइन है हमारा बच्चा, थेरेपिस्ट एक साइड है तो पेरेंट उसकी अलग साइड है. जहां पर थेरेपिस्ट खत्म होता है वहां से पेरेंटिंग शुरू होती है, और जहां पर पेरेंट कुछ चीजें नहीं समझ पाता वहां से थेरेपिस्ट की स्किल्स डेवलप होती है. थेरेपिस्ट का रोल क्या है? अंडरस्टैंड करना, असेस करना कि चाइल्ड की डिसेबिलिटी क्या है, डिसफंक्शन क्या है और इसका फंक्शन क्या है. कहां पर वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, कहां पर उसके नॉर्मल फंक्शंस अफेक्ट हो रहे हैं, और कहां पर वो कंप्लीटली अफेक्टेड बिहेवियर्स दिखा रहा है या डेवलपमेंट दिखाता है. अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. थेरेपिस्ट ये एनालाइज करता है कि कौन से स्ट्रेंथ्स है जहां पर मैं अगर उनको अगर बढ़ाता हूं तो उसकी डेवलपमेंट को चालना मिलेगी, कौन से वीकनेसेस है जिसको मैं कम करूंगा तो उसकी डेवलपमेंट बढ़ेगी. थेरेपिस्ट ये देखता है, एक गोल क्रिएट करता है, वो सारा एनालिसिस करके असेसमेंट करके इवैल्यूएट करके गोल क्रिएट करता है कि अगले 3 महीने में मुझे इस बच्चे के कौन से फंक्शंस डेवलप करने हैं या मुझे ये बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट देखनी है विथ रिस्पेक्ट टू 3 चीजें, कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स एंड डेवलप स्किल्स टू अचीव गोल्स. थेरेपिस्ट बच्चे के ब्रेन को सेंसरी प्रोसेसिंग या सेंसरी मॉड्यूलेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन के जरिए कुछ स्किल्स डेवलप करता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. बहुत सारे पेरेंट्स ने देखा होगा कि बच्चे को लैडर पे चढ़ाया जाता है या बच्चे को पजल दिया जाता है. ओके, तो पजल अगर दिया जा रहा है ओके, और पेरेंट बाहर से देखते हैं कि ओके मेरे बच्चे को अभी पजल है और पजल में वो बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है, थेरेपिस्ट के माइंड में ये होता है कि आई एम ट्राइंग टू डेवलप अ स्किल ऑफ एसोसिएशन. चाइल्ड इज एबल टू एसोसिएट. ओके, सर को ये शर्ट लग गया और ये येलो कलर का शर्ट येलो कलर की शर्ट को लग गया. सो आई द थेरेपिस्ट इज ट्राइंग टू डेवलप द एसोसिएशन. द थेरेपिस्ट इज ट्राइंग टू डेवलप एबिलिटी टू जनरलाइज. द थेरेपिस्ट इज ट्राइंग टू डेवलप अ काइंड ऑफ ओरिएंटेशन इन द चाइल्ड माइंड. ओके, एंड देन द चाइल्ड इज मेकिंग दैट पजल. पेरेंट्स बाहर से देखते हैं क्योंकि चाइल्ड ने पजल बनाया. देन व्हाट पेरेंट्स डू, वो बहुत सारे पजल्स लेकर आता है और घर में भी उसको पजल ही पजल देता है. नो, दैट्स नॉट राइट. यहां पर क्या होना चाहिए, जो एसोसिएशन थेरेपिस्ट ने डेवलप किया, अभी एसोसिएशन हो सकता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन. तो एसोसिएट अगर बच्चा कर पा रहा है वहां पर पजल के जरिए, तो पेरेंट ने घर पे जाके ये मोबाइल पापा का है, ये मोबाइल मम्मा का है, बैंगल मम्मा पहनती है, पापा घड़ी पहनते हैं, ये पापा का बैग है, ये मम्मा का बैग है. दैट इज ऑब्जेक्ट टू पर्सन एसोसिएशन, पर्सन टू पर्सन एसोसिएशन. ओके, पापा और मम्मा बेडरूम में सोते हैं, राइट, और दादाजी ओके और दादी दूसरे बेडरूम में सोते हैं. दैट इज अ पर्सन टू पर्सन एसोसिएशन, पर्सन टू प्लेस एसोसिएशन. पापा ऑफिस में जाते हैं, मम्मा किचन में काम करती है. ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एसोसिएशन. ये मोबाइल, ये कैब इसका है और ये कैब इसका है, ये है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एसोसिएशन. ये चीजें डेवलप करनी है, लेकिन पेरेंट ये चीजें डेवलप करने के बजाय, ये फंक्शन डेवलप करने के बजाय वापस अपने बच्चे को वही पजल देता है, एंड चाइल्ड बिकम द मास्टर इन द पजल. और फिर पेरेंट मेरे पास आता है और बोलता है मैंने वो तो 150 पीस का भी पजल बना लेता है, लेकिन जब मैं असेस करता हूं उसकी एबिलिटी ऑफ एसोसिएशन वो बहुत कम होती है. तो डियर पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, थेरेपिस्ट जॉब इज टू डेवलप अ स्किल. ओके, यू शुड नॉट इमिटेट द थेरेपिस्ट, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट स्किल्स द थेरेपिस्ट हैज डेवलप्ड, और वो स्किल्स आप घर में जाके 360 डिग्री एनवायरमेंट में 24/7 में कहां कहां पर वो स्किल्स अप्लाई कर सकते हो. आपको ये थेरेपिस्ट को पूछना जरूरी है कि आज आपने क्या स्किल डेवलप की ताकि मैं घर पे जाके ये स्किल को फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर पाऊं, ताकि मेरा बच्चा फंक्शंस ज्यादा से ज्यादा कर पाए, ताकि उसके ब्रेन में डिसफंक्शन नाम की कोई चीज नहीं हो.
पेरेंट क्या करता है, एक्सरसाइज देता है, पजल करवाता है, फिर हो गया एंड चाइल्ड अगेन स्टार्ट्स डूइंग फ्लैपिंग इन हिज ओन वर्ल्ड एंड पेरेंट्स फील्स कि ये थेरेपी करने से माय चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप, स्कूल जाने से माय चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप. नो, डेवलपमेंट इज अ वेरी मच डिफरेंट थिंग. इसके लिए मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं कि आपने पेरेंटिंग क्यों चूज की, अपना वंश बढ़ाने के लिए, ओके, या ये फिजियोलॉजिकल जरूरत है इसलिए? नहीं, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं कि उन्होंने पेरेंटिंग क्यों चूज की, और बहुत लोग यही नहीं जानते कि हम लोगों ने पेरेंट होना कभी सोचा, हमने पेरेंट होने की सोच कभी मन में आई? ये सोच तभी मन में आती है, मैं उसके बारे में आपको बोलना चाहूंगा. ओके, मैं मेरा उदाहरण देता हूं. मैंने पेरेंट बनने की सोच मेरे मन में तब आई जब मेरे पास इस दुनिया के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ गए थे, और वो सारे एक्सपीरियंसेस जो मेरे माइंड में थे ये किसी को देने थे. वो सारे बिलीव्स हैं, वो आइडियाज हैं, वो सारी लर्निंग है, मुझे किसी अपने इंसान को देनी थी, और वो अपना इंसान है मेरा खुद का बेटा. तो जब हमारे पास इनफ एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं इस दुनिया के बारे में, तो वो एक्सपीरियंसेस हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. ये नेचर हमें तभी राय देता है कि नाउ यू शुड हैव अ चाइल्ड. ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी. एंड व्हेन यू से आई डोंट वांट अ चाइल्ड, दैट मींस यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड द लाइफ इनफ. दैट आई वांट टू टेल यू. सो पेरेंटिंग मींस whatever experience I got, I would like to give or transfer those experiences to my child. It's not training the child, it's giving appropriate challenges to the child so that he will get the experiences in his life. ये थोड़ा सा difficult है webinar में बताना, लेकिन जरूर हम लोग seminar में इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे अगले time. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पेरेंटिंग मीन्स नॉट डज नॉट मीन यूजिंग द टेक्निक्स एंड थेरेपीज एंड डूइंग सम एक्टिविटीज. पेरेंटिंग मीन्स हेल्पिंग योर चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, हेल्पिंग योर चाइल्ड टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द सर्वाइवल इन दिस वर्ल्ड, हेल्पिंग योर चाइल्ड टू बी सक्सेसफुल इन दिस टू लिव सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड बाई यूजिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस.